Hello everyone, this is our next lecture on chapter named Relation between the roots and coefficient of an equation. And today we are going to discuss some examples related to the theorem and method discussed in our previous lecture. This polynomial by x minus 2. तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो इसको जीरो लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2. मतलब सिंथेटिक मेथड में आपको किसका यूज करना है 2 का. तो सबसे पहले क्या करेंगे कोफिशियंट लिखेंगे हम. सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री क्या है इसी पॉलिनोमियल की 3. तो पहले आप 3 एक्स क्यूब का कोफिशियंट लिखोगे, कोफिशियंट एक्स क्यूब का 2. फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 0 है ना, क्योंकि आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ गया 0. नेक्स्ट आप एक्स का कोफिशियंट लिखोगे -6. फिर आप कॉन्स्टेंट टर्म लिखोगे 23. अब जिसे डिवाइड करना है वो यहाँ पे आप लिखोगे 2. तो पहला स्टेप क्या था, ये वाला 2 जो है यहाँ पे एज इट इज आएगा 2. फिर यहाँ जो भी टर्म आई है उसको आप इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4. फिर आपको यहाँ करना था एड, 0 प्लस 4 4. फिर यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 2 8. फिर आपको एड करना है, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2. जो भी यहाँ नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4. फिर आपको इनको करना है ऐड, क्या आ जाएगा 27. तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया है रिमाइंडर. और कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट के लिए क्या करोगे, इक्वेशन कहां से थी एक्स क्यूब से तो इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से. तो कोशेंट क्या आ जाएगा 2x² प्लस 4x. यहां से देखो 2x मिलेगा आपको, यहाँ 2x² मिलेगा, यहां से 4x और यहां से मिलेगा 2. इन सबको ऐड करके आपको कोशेंट में लिख देना है तो ये आपके पास आ गया कोशेंट. तो जब हमने x माइनस 2 को डिवाइड किया है इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर आया आपके पास 27 और कोशेंट आया 2x² प्लस 4x प्लस 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4. देखिए यहाँ पे आपको किससे डिवाइड करना है 3x प्लस 4. तो जब भी इस टाइप से टर्म हो तो हम पहले क्या करेंगे, जो x है उसका कोफिशियंट 1 बनाएंगे. तो यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा x प्लस 4 बाय 3. तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे x प्लस 1 x प्लस 4 बाय 3. इसके लिए हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर और कोशेंट क्या आएगा. तो यहां से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 बाय 3. तो इसके लिए हम चेक करेंगे सिंथेटिक मेथड से, कोफिशियंट लिख देते हैं. पहले x की पावर 4 का कोफिशियंट 6, देन x क्यूब का कोफिशियंट 11, x स्क्वायर का कोफिशियंट 13, x का कोफिशियंट 3, देन कांस्टेंट टर्म 32. किसे डिवाइड करना है माइनस 4 बाय 3 से. तो सिंथेटिक मेथड ये 6 यहां पर आएगा एज इट इज. अब आप क्या करोगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 बाय 3 से तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 8. तो आप इनको ऐड करोगे, क्या आ जाएगी वैल्यू 3. ठीक है, बेसिकली यहां पर आपका साइन चेंज नहीं हुआ, कहीं आप ये साइन चेंज कर दो, साइन चेंज नहीं है, इनको जस्ट ऐड करना है आपको. माइनस 8 का प्लस 8 आपको नहीं बनाना है. अब यहां पे आ गया 3. अब इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 बाय 3 से तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 4. इन्हें फिर से ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 9. अब जो है 9 वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से माइनस 4 बाय 3 से, वैल्यू आ जाएगी माइनस 12. इन्हें ऐड करो, क्या आ जाएगा माइनस 15. इस माइनस 15 को फिर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20. इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 52. तो 52 आपके पास मिले आपको रिमाइंडर. अब जो गिवन इक्वेशन थी वो किसमें थी, x की पावर 4 में. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x क्यूब से, इसे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करोगे x से और इसको कांस्टेंट से मतलब 1 से. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 6x क्यूब, यहां से 3x² एंड यहां से 9x और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 15. इन्हें ऐड कर दीजिए, वो आपके पास होगा कोशेंट. इन्हें ऐड करो तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी 6x³
प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 15। बट ये कोशेंट आपके पास कब आया है, जब हमने फैक्टर क्या लिया है, एक्स प्लस 4/3, मतलब आपने यहाँ बाहर 3 कॉमन लिया था। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमने ये फैक्टर लिया है, इससे सिर्फ कोशेंट पे फर्क पड़ेगा। देखिए जो स्टेटमेंट थी, जो हमने स्टार्टिंग में फैक्टर लिया था, यहाँ पे 3 क्या है बाहर मल्टीप्लाई में, तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ आप जो कोशेंट आपके पास अब आया है उसको डिवाइड कर दीजिए आप 3 से, वहां मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड कर दोगे 3 से, तो सेम आपको आपको जो कोशेंट चाहिए था वो मिल जाएगा। बट रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर आपके पास अभी भी 52 आया और तब भी आपके पास 52 ही रहेगा जब आप इसको डिवाइड करते 3x प्लस, दैट मीन्स जब आपने इसको डिवाइड किया है 3x प्लस 4 से, तो वहां 3 कोशेंट क्या आएगा, वहां पर जो भी आपके पास कोशेंट ऑब्टेन हुआ है उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। बट रिमाइंडर दोनों में सेम रहेगा, तो रिमाइंडर यहां भी कितना आएगा 52, उसको आपको डिवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूजिंग सिंथेटिक डिविजन फाइंड द वैल्यू, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू माइनस 3 है, मतलब अगर आपका इस पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमने इसको ले लिया 4x 3x 3x³ माइनस 2x² माइनस 37, मतलब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट हमने रिमाइंडर थ्योरम की थी कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आता है, जब आपने x माइनस एच को डिवाइड किया था, x माइनस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया था x माइनस एच से, तो रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल आया था, एफ ऑफ एच के, मतलब आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करो या डिवाइड करो आपके पास रिमाइंडर यही आएगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अगर आपको एफ ऑफ माइनस 3 निकालना है तो इसका मतलब हम क्या करें, सिर्फ x माइनस 3 से डिवाइड कर दें एफ एक्स को, तो जो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली एफ ऑफ माइनस 3 आएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, आपको एफ ऑफ माइनस 3 निकालना, डायरेक्ट नहीं पुट करना है, यहाँ पे सिंथेटिक मेथड का यूज बोला है, डायरेक्ट पुट करके मत निकाल देना आप। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सिंथेटिक मेथड से हम ये रिमाइंडर निकाल लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही एफ ऑफ माइनस 3 होगा, इसको बोलते हैं एफ ऑफ माइनस 3। तो सिंथेटिक मेथड का यूज करते हैं, कोफिशियंट लिखिए एक्स की पावर 4 का 4, देन एक्स क्यूब का माइनस 3, x² का माइनस 2, एक्स का नहीं है तो 0, एंड देन कॉन्स्टेंट माइनस 37। किससे डिवाइड करना है आपको, x माइनस 3 से, सॉरी यहाँ पे x प्लस 3 से, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस 3 है ना, तो डिवाइड किससे करना है आपको, x प्लस 3 से, ठीक है। तो हमें किससे डिवाइड करना है, आप यहाँ पे आप कह लोगे x की वैल्यू माइनस 3 है ना, अपोजिट साइन का, कि अगर x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू लेनी है x की माइनस 3। तो सिंथेटिक मेथड, ये 4 यहां पर एज इट इज, इस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 से, क्या आ जाएगा माइनस 12, देन इन्हें ऐड करो माइनस 15, ये माइनस 15 जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है इसको वापस यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा आपको 45, अभी इन्हें ऐड कीजिए 43 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म से माइनस 3 से, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 129, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 129। फिर माइनस 129 को आप वापस मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 387, इन्हें ऐड कर दीजिए ये आ गया 350। तो जो लास्ट में आपके पास आता है वो क्या होता है, ये आपको क्या मिला है रिमाइंडर। अब इक्वेशन किसमें थी, अच्छा बस हमें यहां तो क्वेश्चन निकालना ही नहीं है, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वही किसकी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस 3 भी कितना आ गया 350। आप ये अब चेक भी कर सकते हो, एफ यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है यहां पर माइनस 3 पुट करके चेक करना, वो आपके पास 350 ही वैल्यू ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन दैट, हमें ये गिवन है कि माइनस 4 रूट है इस इक्वेशन का, हमें बाकी अदर रूट फाइंड करने हैं, 3 डिग्री में इक्वेशन है तो इसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, हमें क्या गिवन है, माइनस 4 इज रूट ऑफ, हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स,
इक्वेशन को मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसको हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स। इसका एक रूट है, इसका रूट है, इसका मतलब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया होगा माइनस फोर को, एक्स जब आपने माइनस फोर इसको सेटिस्फाई करेगा, या बोल सकते हो आप कि जब आपने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया होगा एक्स प्लस फोर से, तो रिमाइंडर कितना आया होगा जीरो। दैट मीन्स इसको डिवाइड कर लेते हैं बाय सिंथेटिक मेथड, रिमाइंडर आना चाहिए जीरो। चेक करते हैं, कोशेंट कोफिशेंट लिखा हमने एक्स क्यूब का सिक्स, एक्स स्क्वायर का, देन एक्स का कोफिशेंट, फिर कॉन्स्टेंट। किससे डिवाइड चेक करना आपको, एक्स प्लस फोर से, और जब रूट क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, तो मतलब यहाँ पे तो आप माइनस फोर ही लिखोगे। अब ये सिंथेटिक मेथड क्या कहता है, ये टू आपके पास आएगा यहाँ एज इट इज, उसके बाद इस टू को आप मल्टीप्लाई करोगे इस माइनस फोर से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एट, माइनस एट प्लस सिक्स क्या हो गया वैल्यू माइनस टू। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई एट, देन एट प्लस सेवन फिफ्टीन, इस फिफ्टीन को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस फोर से, कितनी वैल्यू होगी माइनस सिक्सटी, क्या आ गया आपके पास जीरो। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आता है इसका मतलब ये इसका रूट है, इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली कब डिवाइड करेगा, जब इसका रूट है, ठीक है, मतलब जो हमें गिवन है वो ठीक है। और यहां से अब देखो, यहां से आपके पास कोशेंट क्या आ गया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि गिवन इक्वेशन क्यूब में है, तो स्क्वायर से स्टार्ट करना आपको, इसको एक्स से और इसको वन से, तो यहां से क्या ऑप्टेन होगा टू एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस टू एक्स और यहां से फिफ्टीन, इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कोशेंट। तो कोशेंट आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फिफ्टीन। तो बाकी जो दो रूट है हम किससे निकालेंगे, इस कोशेंट से। जैसे आप डिवाइड में भी ऐसे करते थे ना, कोशेंट को आप फिर क्या कर सकते थे, जीरो के इक्वल रख देते थे और वहां से हम बाकी दो रूट फाइंड करते थे, तो हम बाकी दो रूट यहां से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट एक्स की वैल्यू, रूट मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। तो यहां कंपेयर करें अगर हम, तो आपके पास यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक बार लिख देते हैं माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब टू का माइनस टू का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है टू और सी की वैल्यू है फिफ्टीन डिवाइड बाय टू इंटू ए की वैल्यू है टू। इसको सॉल्व कर लेना आपके पास आ जाएगा टू प्लस माइनस देन फोर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन ट्वेंटी डिवाइड बाय फोर, तो इसको आप क्या लिखोगे टू प्लस माइनस अंडर रूट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन वन सिक्स डिवाइड बाय फोर। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहां पर टू प्लस माइनस, यहां से आपके पास टू बाहर आ जाएगा, ये अंदर से बचेगा आपके पास माइनस ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाय फोर, तो टू आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन प्लस माइनस ट्वेंटी नाइन रूट, इसको क्या आप लिख सकते हो आयोटा, आपकी मर्जी इसको आयोटा लिखना है या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो डिवाइड बाय टू। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई x की, बाकी दो रूट्स, तो x का एक रूट तो था माइनस फोर और बाकी दो रूट यहां से आ गए, एक क्या आ गया पॉजिटिव में और एक आ गया आपके पास नेगेटिव में, मतलब ये बीच में नेगेटिव, एक बार बीच में पॉजिटिव, तो हमें बाकी दो रूट कैलकुलेट करने थे तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट वी हैव एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है फोर डिग्री की, हमें और दो रूट हमें इसके गिवन है फोर एंड एट, तो हमें बाकी दो रूट फाइंड करने हैं, तो हम फिर से सिंथेटिक मेथड का यूज करेंगे क्योंकि वो उससे आपके पास फटाफट बहुत जल्दी रूट आ जाएंगे। तो सिंथेटिक मेथड के लिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे कोफिशियंट लिख देते हैं, एक्स की पावर फोर का कोफिशियंट वन, एक्स क्यूब का माइनस ट्वेंटी, देन एक्स स्क्वायर का वन फोर्टी, एक्स का फोर हंड्रेड, देन कॉन्स्टेंट थ्री एटी फोर। तो आपको देखो पहले कौन सा आपकी मर्जी है, कोई भी आप रूट ले लीजिए, तो हमने मेरे लिए ना फोर, इसका फोर रूट है, अगर आप इसको मतलब फोर से सिंथेटिक मेथड से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सॉरी यहाँ पर टू गिवन था आपके पास क्वेश्चन में, टू टू आएगा, तो अगर इसका टू एक रूट है तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर आएगा वो आना चाहिए जीरो। तो चेक करते हैं हम,
ये वन यहाँ पे आएगा एज इट इज, फिर आप इस वन को मल्टीप्लाई करोगे बाहर वाले टू से, तो वैल्यू आ जाएगी टू, दोनों को ऐड कर दीजिए माइनस 18, माइनस 18 को टू से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस 36, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 104, अब 104 को टू से मल्टीप्लाई करो 208, इन दोनों को ऐड कर दो माइनस 192, अब 192 को मल्टीप्लाई कीजिए बाहर वाले टू से तो आ जाएगा माइनस 384, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जीरो, तो मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है कि ये इसका रूट गिवन था, रूट गिवन था तो यहाँ पे एंड वाली जो वैल्यू है जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए था जीरो। ठीक है, अब इसी में आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एक और रूट क्या है एट, तो आप इसी इक्वेशन में आप आगे एट से डिवाइड करोगे, अब इसको एट यहां हमने लिख लिया, अब फिर से सिंथेटिक मेथड लगाएंगे ये वन एज इट इज, अब इस वन को आप मल्टीप्लाई करोगे इस एट से, वन मल्टीप्लाई एट, एट इन्हें ऐड कर दीजिए माइनस 10, अब इस माइनस 10 को मल्टीप्लाई करोगे फिर से 8 से माइनस 80, अब इन दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए 24, इस 24 को मल्टीप्लाई करोगे आप बाहर 8 से, ये आ जाएगा आपके पास 192, ये कितना आ गया लास्ट में फिर से जीरो, तो इसका मतलब 8 भी इसका रूट है, यहाँ पे आपके पास जीरो ही आना चाहिए था अगर 8 इसका रूट है, इसका मतलब हमारे पास दो रूट हमें गिवन थे 2 और 8, वो तो हमें रूट गिवन ही थे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, बट हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है अगर यहाँ पर जीरो आ रहा है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते थे, हमारी इक्वेशन होती थी x की पावर 4 में, तो हम यहां स्टार्ट करते थे इसको मल्टीप्लाई करते थे x क्यूब से पहले टर्म को, बट कब हम ऐसा करते थे जब हमने सिर्फ एक ही बार डिवाइड किया, अब हमने यहां किया है दो बार डिवाइड, तो इसका मतलब पावर भी हम दो रिड्यूस कर देंगे, एक बार डिवाइड करते थे तो पावर एक रिड्यूस करके लिखते थे आप कि x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहां x क्यूब लिखते थे, बट अब हम दो बार डिवाइड कर चुके हैं तो पावर दो बार रिड्यूस करोगे, तो x की पावर 4 थी तो अब रिड्यूस करके क्या हो जाएगी x की पावर 2, तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2 से मतलब x स्क्वायर से, फिर तो कम करते जाओ x से और लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे कोशिएंट से, तो यहां से आपको क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी x स्क्वायर, फिर यहां से माइनस 10x और यहां से आपको मिलेगी 24, इन्हें ऐड कर दीजिए वो आपके पास कोशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इस इक्वेशन से इस क्वेश्चन से हम बाकी दो रूट फाइंड करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम रख देंगे जीरो के इक्वल, ऐसे करते थे आप प्रीवियस क्लासेस में भी, तो आप फैक्टर बना लीजिए अब इसके x स्क्वायर फैक्टर बना लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आप उसमें पुट कर सकते हो, यहाँ पे फैक्टर इजी है, फैक्टर इजीली बन रहे हैं, है ना, 24 को आप क्या लिख सकते हो, आपको 10 बनाना है तो 24 को आप क्या लिख सकते हो 4 और 6, 4 इंटू 6 तो माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 4 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4 एंड 6, तो इसकी बाकी दो रूट क्या है 4 और 6, हमें इसके बाकी दो रूट ही फाइंड करने थे, मतलब 4 डिग्री इक्वेशन थी ना, तो दो रूट गिवन थे, दो हमने फाइंड कर लिए, तो चारों के चारों रूट हमें मिल गए, तो हम मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा इसका एक रूट हमें गिवन है, इस इक्वेशन का रियल रूट गिवन है, वेयर पी क्यू आर रियल देन अदर टू रूट्स आर रियल, तो अगर जो बाकी दो रूट हैं वो भी रियल कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो मतलब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर बाकी दो रूट्स भी रियल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तो अल्फा इसका एक रूट है तो हम क्या करेंगे सिंथेटिक मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा एक रूट है वहां से कंडीशन आ जाएगी, देखिए अल्फा अगर इसका एक रूट है, ठीक है, गिवन अल्फा इसका एक रूट है तो क्या होना चाहिए, इसका जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद वो जीरो आना चाहिए, तो उसी से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या करोगे आप कॉफिशियंट लिखोगे पहले एक्स क्यूब का देन एक्स स्क्वायर का फिर एक्स का कॉफिशियंट एंड देन कॉन्स्टेंट, है ना, तो अब वन एज इट इज यहां से वन को मल्टीप्लाई करोगे इस अल्फा से, अल्फा दोनों को ऐड कर दीजिए पी प्लस अल्फा, अब इस p प्लस अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे इस अल्फा से तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी p अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अब इनको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा q प्लस p अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, देन इस पूरी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है दोबारा से अल्फा से, तो यहां लिख देते हैं अल्फा से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा q अल्फा प्लस p अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, अब इन्हें ऐड करना है एंड वाले को r प्लस क्यू एल्फा प्लस पी एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब, बट हमारे पास एल्फा क्या गिवन है रूट है किसका इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट है, तो ये जो आपके पास आ रहा है लास्ट में क्या आता है रिमाइंडर
ये क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि अल्फा आपका रूट गिवन है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, जीरो। तो ये इक्वेशन आपके पास हो गई जीरो, है ना, ये आपके पास होनी चाहिए जीरो। तो इसको कंडीशन रख लेते हैं। और कोशेंट, बाकी दो रूट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोशेंट यहां से। तो आपके पास इक्वेशन किस में है, एक्स क्यूब में, एक ही बार आपने डिवाइड किया, तो यहाँ क्या एक पावर कम हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, इसको मल्टीप्लाई करोगे वन से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगी पी प्लस एल्फा इंटू एक्स, और यहाँ मिलेगा आपको क्यू प्लस पी एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से कोशेंट क्या आ जाएगा, कोशेंट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस पी एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। इसको इक्वल्स टू जीरो रखोगे आप दूसरी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, है ना, बाकी दो रूट फाइंड करने के लिए इसको किसके इक्वल रख देंगे हम, जीरो के इक्वल। तो यहां से देखिए अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, लिखते हो यहां पर डी, है ना, डिवाइड बाय टू ए। अब हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी यहां पर कि आपके पास जो रूट है या तो इक्वल हो सकते हैं, इक्वल रूट, या फिर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये पढ़ा था हमने, है ना, इस टाइप से आपने पढ़ी थी यहां पे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहां पे था अनरियल या फिर इमेजनरी बोल सकते हो आप, इमेजनरी। और यहां पे क्या था कंडीशन, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, रियल और अलग अलग होंगे डिस्टिंक्ट, और लास्ट में था इमेजनरी। यहां पे कंडीशन क्या थी यहां पर इक्वल आने के लिए, कि डी की वैल्यू होनी चाहिए जीरो, जो रूट में हम होना चाहिए जीरो। इमेजनरी देखो कब आ सकता है, जब जो डी की वैल्यू होगी वो आपके पास कैसी होगी, नेगेटिव, है ना, तभी आपके पास माइनस आएगा, माइनस आने का मतलब आयोटा आएगा, आयोटा आने का मतलब इमेजनरी, रियल रियल में आयोटा नहीं आता, इसका मतलब या तो डी जीरो होगा या फिर डी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर डी पॉजिटिव होगा, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, तो आयोटा नहीं आएगा, आयोटा तभी आ सकता है जब नेगेटिव होगी। ये हमने कंडीशन 10th क्लास में पढ़ी हुई है गैस, तो वहां से ये कंडीशन है। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन से जो इक्वेशन आई है वो भी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमने क्या कंडीशन लगानी है, जो आपके पास रूट आएंगे वो कैसे आने चाहिए, रियल। तो रियल की क्या कंडीशन है, दोनों को कंबाइन करो, रियल की कंडीशन क्या है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है डी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसी इक्वेशन में से निकाल लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, उसको हम पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्या कहेंगे हम, इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास रियल होंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मैं आपको कंडीशन बता दी कि वो कैसे आई थी आपके पास। तो यहां से बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू है पी प्लस एल्फा, सी की वैल्यू है क्यू प्लस पी इंटू एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी पी प्लस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्यू प्लस पी एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको ओपन कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस फोर सॉरी टू पी एल्फा माइनस फोर क्यू माइनस फोर पी एल्फा माइनस फोर एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू माइनस टू पी एल्फा माइनस थ्री एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी रूट्स रियल होने के लिए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर इन डिवीजन ऑफ, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है जब आपने इसको डिवाइड किया है एक्स माइनस ए के स्क्वायर से, तो आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है और उसके बाद एंड हैंस डिड्यूस दैट, और इसका यूज करके आपको डिड्यूस करना है कि अगर इस इक्वेशन का
इक्वल रूट होंगे तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है, मतलब ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है जब इस इक्वेशन के इक्वल रूट अगर हम कंसीडर करें। तो आपको किससे डिवाइड करवाना है, x माइनस ए के होल स्क्वायर से, इसका मतलब आपको x माइनस ए से डिवाइड करना है और फिर आपको दोबारा से उसको x माइनस ए से डिवाइड करना है। इसका मतलब यहां से x की कितनी वैल्यू आ गई, a, यहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी a, मतलब आपको a a से आपको दो बार उसको सिंथेटिक मेथड में हम करके दिखाएंगे और वहां से जो रिमाइंडर आएगा वही आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा जब आपने एक्स माइनस ए के स्क्वायर से डिवाइड किया। तो कर लेते हैं इसे हम, यहाँ पे आपने मेंशन किया ए, देन अब लिखिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, देन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो, कॉफिशियंट ऑफ एक्स थ्री पी, कॉफिशियंट कॉन्स्टेंट आएगा वन, यहां से एज इट इज इस वन को मल्टीप्लाई करोगे आप ए से, ए आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए ए। अब क्या करोगे, इस ए को दोबारा इस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करो थ्री पी प्लस ए स्क्वायर। अब थ्री पी प्लस ए स्क्वायर को बाहर वाले ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए पी। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए पी प्लस क्यू। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया है जब आपने इसको पहली बार ए से डिवाइड किया था, तो इस रिमाइंडर का हम नाम रख देते हैं आर वन। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ये जीरो आने वाला है ना, क्योंकि हमें ये नहीं गिवन कि ये इसका रूट है, रूट होता तो जीरो आता, बट ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, दोबारा ए से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट डिवाइड में जा रहे हो तो आप इस वाले रिमाइंडर को यूज नहीं करोगे, जो एक बार लास्ट वाले टर्म आ गया उसको वहीं छोड़ दोगे। अब दोबारा डिवाइड कर रहे हो आप इसको, फिर ये ए एज इट इज यहां पर आएगा वन, एज सॉरी वन यहां पर एज इट इज आएगा। अब इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे इस ए से बाहर वाले से तो आ जाएगा ए, ए प्लस ए आपके पास क्या आ जाएगा टू ए। अब इस टू ए को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाहर वाले ए से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास टू ए स्क्वेयर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री पी। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया जब आपने इसको दोबारा डिवाइड किया है ए से, तो इसको हमने नाम रख दिया आर टू। बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, टोटल जब आपके पास दोनों को आपने डिवाइड किया है तो क्या रिमाइंडर आया है ना एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर से, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, टोटल रिमाइंडर इक्वल्स टू फर्स्ट रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, जो आपके पास फर्स्ट डिवाइजर है, यहां पे हमने लिख दिया फर्स्ट डिवाइजर, एंड देन यहां पे आप लिखोगे जो आपके पास सेकेंड रिमाइंडर आया है, आर टू मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्दर और डिवाइड किया तो सिर्फ दो बार डिवाइड करने का है कि आपने अगर दो बार डिवाइड किया है तो ये यूज होगा, अगर आपने और फर्दर डिवाइड किया तो क्या करोगे उसके बाद जो अगला आपके पास डिवाइजर है सेकेंड डिवाइजर, और यहां पे थर्ड रिमाइंडर, फिर अगर आपने और डिवाइड किया है तो थर्ड उसके बाद वाला भी थर्ड डिवाइजर, और यहां पे फिर जो उसका रिमाइंडर है आर फोर। ऐसे करते जाओगे आपने जितनी बार डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग। बट यहां पे हमने क्या किया है, अगर यहां पे अगर हमें टोटल रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आपने क्या किया, एक तो आर वन आएगा प्लस सिर्फ यहां पे क्या आएगा फर्स्ट डिवाइजर एंड देन आर टू सेकेंड रिमाइंडर, उसके बाद नहीं, क्योंकि आप थर्ड नहीं लिखोगे, क्योंकि थर्ड में आपको क्या चाहिए सेकेंड डिवाइजर और आर थ्री, आर थ्री आपके पास नहीं है, सेकेंड डिवाइजर है बट आर थ्री नहीं, ये कब यूज करना जब हमने फर्दर और डिवाइड किया, जब आपके पास आर थ्री भी ऑब्टेन होगा। तो हम आर वन की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे हम आर वन की वैल्यू पुट करते हैं, आर वन की वैल्यू क्या है ए क्यूब प्लस थ्री ए पी प्लस क्यू। फर्स्ट डिवाइजर क्या है ए, जो पहले जिसे डिवाइड किया आपने वो आपके पास क्या है, मतलब x माइनस ए है जिसे पहले डिवाइड किया है, तो x माइनस ए एंड देन आर टू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल रिमाइंडर आ जाएगा और वो आपके पास इक्वल आएगा थ्री इंटू ए स्क्वेयर प्लस पी, यहां से x कॉमन प्लस क्यू माइनस टू ए क्यूब। आप इसे सॉल्व कर लेना तो आपके पास आ जाएगा, मतलब R2 की वैल्यू यहां रख देना, R2 की वैल्यू ये है थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री पी, यहां पर आपके पास है R2 की वैल्यू, यहां पुट कर देना और फिर फर्दर सॉल्व कर लेना तो आपके पास ये आपके पास टोटल रिमाइंडर आ जाएगा।
तो इससे हमें क्या पता चला, जब आपने एक्स माइनस ए स्क्वेयर को डिवाइड किया, जब आपने एक्स माइनस ए स्क्वेयर से डिवाइड किया है गिवन पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल क्या था आपके पास, एक्स क्यूब माइनस प्लस थ्री पी एक्स प्लस क्यू, जब आपने इसको यहां से डिवाइड किया है तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आया है, यहां से जो टोटल रिमाइंडर आया है थ्री ए स्क्वेयर पी प्लस पी इंटू एक्स, यह है। बट नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, इसी का यूज करके हमें दूसरी कंडीशन बतानी है। कंडीशन क्या है कि अगर इसके इक्वल रूट कब होंगे, इसके इक्वल रूट तब होंगे जब एक्स स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस फोर क्यू पी क्यूब इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो एक्स माइनस, अब देखो आपको एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर, इसका मतलब आपने दो रूट यहां पर क्या लिए हैं, एक्स माइनस ए और एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू ए, दो बार सेम रूट लिया, मतलब इक्वल रूट लिया आपने इस कंडीशन में। अगर आपने इस कंडीशन में इक्वल रूट लिए हैं तो मतलब डिवाइड करने के बाद आपका जो